गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन योर बायो क्लास. सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट रिवीजन लेक्चर एंड आई हैव देन वी गेट टू रिवीजन लेक्चर टू फ्रॉम फर्स्ट इज फ्रॉम टुडे वेनसडे एंड नेक्स्ट विल बी फ्राइडे. आफ्टर दैट फ्रॉम मंडे योर एग्जाम्स विल बी स्टार्ट. सो अगेन आई रिवाइज योर सिलेबस. इट इज़ चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव. आफ्टर चैप्टर फाइव चैप्टर फोर सॉरी चैप्टर वन सब चैप्टर टू चैप्टर थ्री चैप्टर फोर फाइव सिक्स सेवन चैप्टर फाइव चैप्टर सिक्स चैप्टर सेवन आर एलिमिनेटेड फ्रॉम योर कोर्स. देन चैप्टर एट इट चैप्टर नाइन एंड लास्ट वन इज चैप्टर नाइन के बाद क्या है चैप्टर टेन. ठीक है, चैप्टर टेन कौन सा है? चैप्टर टेन इज सेल साइकिल. इसके बाद आता है चैप्टर टेन के बाद प्लांट फिजियोलॉजी शुरू हो रही है ना. प्लांट फिजियोलॉजी में यूनिट फोर है तो इलेवन एलिमिनेटेड ट्वेल्व एलिमिनेटेड एंड थर्टीन चैप्टर आई हैव टेकन. ठीक है, सो इट विल बी इंक्लूड इट इज़ इंक्लूड यू नो टर्म वन एग्जाम्स और हाफ ईयरली एग्जाम्स फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू आफ्टर एग्जाम. सो दिस इज योर सिलेबस. सो अगेन आई विल इंस्ट्रक्ट यू रीड एंड ईच एंड एवरी लाइन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी कम इन मिडिल ऑफ द चैप्टर. तो उसमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, कोई भी केयरलेसनेस शो नहीं करनी है क्योंकि क्वेश्चंस बीच में से आ सकते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. आई होप यू विल बी गिव योर टर्म वन एग्जाम्स ऑनेस्टली क्योंकि ये अब आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है कि आप ऑनेस्टली दे रहे हो कि चीटिंग करके दे रहे हो. तो मार्क्स कितने भी मिले हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने कितना एक्चुअल लर्न किया है उस पर आपको बेसिकली फोकस करना है. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वही आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट लर्न करना है. फॉर एग्जांपल्स यदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइव किंगडम के बारे में यदि डिस्कस करें तो इसमें बेसिकली मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमिलिया फाइव किंगडम है. फाइव किंगडम किस बेस पर डिफ्रेंशिएट किए गए हैं तो उनके कैरेक्टर किसके बेस पर है, लाइक सेल टाइप के बेस पर, सेल वॉल के बेस पर, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर. तो ये फाइव जो थ्री और फोर जो मेन कॉन्सेप्ट हैं जिस पर कि डिवीज़न किया गया है उसको आपको बहुत क्लियरली रीड करना है. लाइक सेल टाइप, फर्स्ट इज सेल टाइप. सेल टाइप ठीक है. सेकंड सेल वॉल के बेस पर फाइव किंगडम सिस्टम किस तरीके से क्लासिफाइड किए हैं. थर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेस पर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. ये टर्म्स आपको सब टर्म्स पता होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल वॉल सेल टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं की पॉइंट्स हैं जिसके बेस पर मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी प्लांटी और एनिमिलिया को क्लासिफाइड किया गया है. यदि आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इससे assertion based question answer भी कर सकते हो. ये इस बार new include हुआ है. assertion based आपने class 10th में भी किया हुआ है इसलिए terms आपके लिए new नहीं है. You know very well कि assertion based क्या होता है. इसमें दो statement होते हैं assertion based में. first statement simple statement है, कोई एक sentence है. second उसका explanation होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, या एक्स बी स्टेटमेंट ए के ऊपर ए को क्या कर रहा है,
ए को रिफ्रेंस कर रहा है या ए को करेक्ट कर रहा है या दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से आपको दो स्टेटमेंट के बीच में क्या कनेक्शन है, तो ये जो है असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आंसर में आएगा। इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे 5 ऑप्शन रहेंगे और कोई उसमें एक जो है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, जिसको कि आपको टिक करना है। तो असर्शन बेस्ड पूरी तरीके से क्वेश्चन आंसर और कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसके असर्शन कर ही लोगे। सेकंड आएगा केस बेस्ड स्टडी, जो कि एक नया इंक्लूड हुआ है। केस बेस्ड स्टडी में आप लोगों ने क्लास टेंथ में जैसे फॉर एग्जांपल्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस किए थे, कुछ अनसीन पैसेज है, रिटन सोर्स आपको दिया होता है, उसके बेस पर आप आंसर्स मिलते हैं और कभी कभी केस स्टडी करके और आपको अपने आप से भी उसके आंसर लिखने होते हैं आपके मेमोरी के बेस पर। तो ये दो तरीके के क्वेश्चंस इंक्लूड हुए हैं जो आपको हम एक जूम मीटिंग में क्लियर भी कर चुके हैं। तो ध्यान रखना, कोई भी चीज़ आपके लिए नई नहीं है, पहले से आपको इन्फॉर्म की जा चुकी है, इसलिए किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम्स के टाइम पर, क्लियर। फिर उसके बाद जो थर्ड है वो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, वो एज पहले भी आप कर चुके हो कि वो 3 नंबर के क्वेश्चंस में फिगर भी यदि दिया हुआ तो फिगर भी उसमें आ सकता है। तो आप ये नहीं बोलोगे मैम फिगर बनाने को नहीं दिया है तो फिगर मैंने नहीं बनाया, नहीं। यदि आप फिगर से किसी आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो तो फिगर आप वहाँ पर बना सकते हो, आपको ठीक मार्क्स मिलेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्लियर। इसके बाद क्वेश्चंस में और कोई खास डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस वो मैंने आपको बता दिया है, एक असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आंसर, एक केस बेस्ड स्टडी। बाकी पेपर्स आप कर चुके हो, फिगर रहेगा, फिगर के बेस पर आपको क्वेश्चन आंसर देना है, क्लास टेंथ में आप कर चुके हो, तो ये क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, ठीक है। अब आता है जैसे फॉर एग्जांपल्स किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा बेसिकली कितने उसमें डिवाइड है, आर्की बैक्टीरिया में, यू बैक्टीरिया में। अब यू बैक्टीरिया के कितने पॉइंट्स हैं, यू बैक्टीरिया में बहुत सारे की पॉइंट्स हैं, ठीक है। वॉट इज साइनोबैक्टीरियम, ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोसिस्ट, कीमोसमेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, एग्जांपल्स हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, दीज आर द सम की पॉइंट्स। जस्ट लाइक किंगडम प्रोटिस्टा, किंग मैं जो इंक्लूड किया है किंगडम प्रोटिस्टा में, इसमें क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजलेट्स और यूग्लोनाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लर्न करना है। प्रोटोजोआज, ठीक है, प्रोटोजोआ में जैसे फोर्ट, जैसा प्रोटोजोआ को भी आगे डिवाइड किया हुआ है, तो प्रोटोजोआ को किस में डिवाइड किया है, फ्लैजलेटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ और इसके बाद पैरा अमीबॉइड प्रोटोजोआ। फिर ठीक है, फिर लाइक आप फिर किंगडम में आओगे, किंगडम में भी टर्म्स हैं, किंगडम तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड एरिया है, बहुत है, ब्रॉड किंगडम है, इसमें हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एंटीबायोटिक्स इसमें फॉर्म होती है, सीनोसिटिक कंडीशंस क्या है, ठीक है, सेप्रोफाइट्स क्या है, पैरासाइट क्या है, माइकोराइजा क्या है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, डायकैरियन, डायकैरियन फेज, ये सब टर्म्स को क्लियर आपको प्रिपरेशंस के समय पर इन टर्म्स को ध्यान रखना है। फिर फाइकोमाइसिटीज आया, एस्कोमाइसिटीज, तो बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ये किंगडम के ही क्लासिफिकेशन है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो तीनों जो चार फोर टाइप्स हैं, फोर टाइप्स के बेसिक डिफरेंसेस, ठीक है, किस बेस पर इनको डिफरेंशिएट किया है ये आपको लर्न करना है। किंगडम एनिमिलिया, फिर वायरेट्स, वायरेट्स और लाइकेंस में, तो इस तरीके से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कुछ पॉइंट्स को फोकस करते हुए आपको स्टडी करना है। कुछ हमने आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल्स दे चुके हैं, ठीक है। अब आता है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में क्या रीड करना है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, एल्गी, ब्रायोफाइटास, टाइडोफाइटा, फाइटा,
फाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, प्लांट लाइफ साइकिल, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये टर्म्स को ठीक से स्टडी करना है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर क्लोरोफाइसी को पिगमेंट्स के बेस पर कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मॉसेस के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स ब्रायोफाइट्स में आप रीड करते हो लिवरवर्ट, मॉर्केंशिया। ठीक है, फिर मॉसेस, फिर स्पोरोफाइट्स। तो इसका बेसिकली इनको एक बेसिक एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं ब्रायोफाइट्स का, और ब्रायोफाइट्स के पूरे कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन एग्जांपल्स पर पूरी तरीके से मिलते हैं, इसलिए इनको एक बेस एग्जांपल्स के फॉर्म पे इसको लेते हैं। फिर लिवरवर्ट हो गया, मॉसेस हो गया, मॉसेस के बाद टाइडोफाइट्स हो गया, टाइडोफाइट में स्लेजिनेला, एक्विस्टियम, फर्न और साल्विनिया, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। तो इनकी क्या स्पेशलिटी है, सीड हाइब्रिड्स, हिट्रोस्पोरस, होमोस्पोरस, ये टर्म्स आपको देखना है। फिर जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स पे एक टर्म आता है माइकोराइजा, ये टर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट है, माइकोराइजा, MycoRhiza, माइकोराइजा, ये टर्म्स आपको रीड करना है। मेगा स्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबिलस, माइक्रो स्पोरेंजिया फीमेल स्ट्रोबिलाई, पॉलन ग्रेन्स, देन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डायकॉटिलीडेंस फ्लावर्स, सिनर्जिड, एंटीपोडल सेल, लाइफ साइकिल ऑफ एन एंजियोस्पर्म्स, and three types of alternation of generation, all are included in your syllabus. Then NCERT के questions answer एक बार आप लोग करके देख लेंगे पूरे। फिर आता है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में भी सिमिट्री के बाद नेक्स्ट आता है जम्स लेयर, थर्ड आता है सीलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, इन्हीं टर्म्स पर प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया है। तो जिन टर्म्स से प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया है वो टर्म्स आपको लेने हैं। तो प्लांट जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को कितने पॉइंट्स पर क्लासिफाइड किया है, फर्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस ये मेन कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पर एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया है। सेकंड लिया है सिमिट्री, थर्ड लिया है बॉडी कैविटी और सीलोम। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स हैं जिस पे कि बेसिकली पूरे एनिमल किंगडम को क्लासिफाइड किया है, और उसके बेस पर फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया, देन फाइलम नीडोफोरा, फिर फाइलम प्लेटीहेलमेंथीस, फाइलम एस्केहेलमेंथीस, फाइलम एनीलिडा, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइनो फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट है फाइलम हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा का एक एग्जांपल्स लिया है बेलेनोक्लॉसिस, देन फाइलम कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा को भी फिर क्लासिफाइड किया है, फाइलम कॉर्डेटा को कितने उसमें क्लासिफाइड किया है, ये वर्टिब्रेटा है, इसका क्लासिफिकेशन किया है डिवीज़न, पहले इसको दो डिवीज़न में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज एग्नेथा, देन गैंथोस्टोमेटा, गैंथोस्टोमेटा को फिर डिवाइड किया है पीसीज, टेट्रोपोडा, पीसीज और टेट्रोपोडा को आगे डिवाइड किया है एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल्स। तो You will read classification of vertebrata. Classification of vertebrata. पूरी तरीके से रीड करना बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर इसको क्लासीफाइड किया है। इवन आफ्टर दैट ईच एंड एवरी क्लास
gives its specific feature and with one suitable examples with labeling diagram. इस तरीके से हर एक क्लास को के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसका एक एग्जाम्पल्स और उसके एक लेबल डायग्राम के साथ आपको प्रिपेयर करना होगा. तो इन दिस वे पूरा एनिमल किंगडम एनिमल कंप्लीट होगा. किंगडम एनिमल में अब ये आप क्लियर करना, जैसे पोरिफेरा है तो किस टाइप का उसमें ऑर्गेनाइजेशन है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री कौन सी है, सिलोम कैसा है, सेगमेंटेशंस है, डाइजेस्टिव सिस्टम है कि नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम की क्या पोजीशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और डिस्टिंक्टिव फीचर. तो इस तरीके से आपको टेबल 4.2 जो है एकदम दिमाग में रखनी है. ये एनिमल किंगडम का एक वो, इसके बेस पर एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं, केस स्टडी आ सकती है, तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, हर तरीके के क्वेश्चन आंसर के पैटर्न इसमें बन सकते हैं. 5th, 6th, 7th को छोड़ना है, ठीक है. फिर चैप्टर आ जाता है 8th चैप्टर है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको आप क्लास 9th में काफ़ी अच्छे से रीड कर सकते हो. इसमें सेल थ्योरी क्या है, एक एक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का आपको डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करना. फर्स्ट तो ओवरव्यूज़ हो गए, ओवरव्यूज़ में मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर, इसके बाद इंडिपेंडेंटली ईच एंड एवरी सेलुलर ऑर्गेनिज, देयर स्ट्रक्चर, देयर डायग्राम, स्पेसिफिक डायग्राम you have to draw and you have to learn. For examples, if you will read cell membrane, then you will you have to understood what is the fluid mosaic model of plasma membrane. Fluid mosaic model plasma membrane ka kya hai, passive transport kya hai, theek hai, ye terms karna. cell wall endoplasmic system, jo endomembranic system hai uske andar kaun kaun se organelles aa rahe hain, theek hai. जैसे फॉर एग्जांपल्स 8.5 एंडोमेम्ब्रेनिक सिस्टम है, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहा है, गॉल्जी अपरेटस आ रहे हैं, लाइजोसोम आ रहा है एंड वैक्यूल्स आ रहे हैं. ये सब किससे बन रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है जो जिनकी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, EST क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो इनर रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है और एरोबिक रेस्पिरेशन में. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, ठीक है, जिसका अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, अपना इसका DNA होता है. DNA भी सिंगल सर्कुलर DNA है जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, बट इसका है. फिर प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में होते हैं. राइबोसोम्स, साइटोस्केलेटन में फिर जो फिलामेंटस प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, पूरे एक नेटवर्क की तरीके से सेल के अंदर होते हैं. साइटोस्केलेटन है, इसमें सीलिया आता है, फ्लैजला आता है, सेंट्रोसोम्स आ रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स, ये टर्म्स हैं. इसके बाद आ जाएगा आपका न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में टर्म्स हैं काइनेटोकोर, मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर्स. ये टर्म्स को एक्सप्लेन करते हुए आपको चैप्टर कम्प्लीट करना है. सो इन दिस वे यू विल कम्प्लीट योर रिविजन टेस्ट. लाइक दैट बायोमोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा केमिस्ट्री का भी पार्ट आ रहा है, इसलिए इसको तो इग्नोर करना ही नहीं है. केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी दोनों इसमें मिक्स है. लाइक जो रिप्रेजेंटेशंस दिए हैं, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स दिए हैं, मॉलिक्यूलर वेट दिया है, मॉलिक्यूलर डायग्राम्स दिया, अमीनो एसिड्स, शुगर, फैट एंड ऑयल, नाइट्रोजिनस बेस, न्यूक्लोसाइड, न्यूक्लोटाइड कंप्लीट करना है, ठीक है. बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कितने तरीके के फंक्शन करता है, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटॉन्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. फिर इसके बाद है मोनोमियर्स, व्हाट इज मोनोमियर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, ये सब ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, लिविंग स्टेट, मेटाबॉलिक बेस फॉर लिविंग. फिर एंजाइम्स के फंक्शंस, स्ट्रक्चर, ये सब टर्म्स आपको ठीक से टर्न करना है. इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स के बाद नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, फिर सेल साइकिल. सेल साइकिल में
दो तरीके के डिवीजन्स हैं सेल में, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, ठीक है, माइटोटिक और माइटोसिस और मियोटिक। तो एक होता है बेसिकली इक्विटेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन, और एक होता है रिडक्शन डिवीजन। मियोटिक रिडक्शन डिवीजन है और माइटोसिस जो है इक्वल डिवीजन। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल पेरेंटल सेल में होंगे उतने ही गैमिट्स में आएंगे। तो इनके डिफरेंट फेजेस हैं, डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट स्पेसिफिक फीचर कि किस फेज में कौन सा चेंज आ रहा है, फिर सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, एंड मियोसिस की जो दो स्टेजेस होती हैं, मियोसिस वन मियोसिस टू, फिर मियोसिस वन बहुत लॉन्ग स्टेज है, तो क्यों लॉन्ग स्टेज है, क्या उसमें चेंजेस होते हैं, ये सब आपको सेल साइकिल में स्टडी करना है। ठीक है बेटा, इस तरीके से इन चैप्टर्स को आपको बहुत डीपली स्टडी करना है। फिर आ जाता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बेसिकली 5 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, बट एग्ज़ाम्स में इस बार अभी एक फोटोसिंथेसिस ही आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो रेस्पिरेशन है, वो इसके बाद होगा। बहरहाल क्लासेस यदि इसमें कंटिन्यू होंगी तो रेस्पिरेशन हम स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज रेस्पिरेशन आपका एग्ज़ाम्स के बाद होगा। रेस्पिरेशन, फिर एनिमल फिजियोलॉजी। बस एनिमल फिजियोलॉजी में भी 2 ही चैप्टर हैं, 2 या 3 चैप्टर हैं एनिमल फिजियोलॉजी में। इस तरीके से इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन टाइम। सो आई होप यू अंडरस्टूड विच टाइप ऑफ विच इंस्ट्रक्शंस यू फॉलो ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशंस प्रिपरेशंस, उनको आप फॉलो करते हुए एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।